जय हिंद साथियों। आप लोग के आज बिहार पुलिस का सेट में जो भी मैथ दिया उसका हम सलूशन दे रहे हैं, जिसमें से आप ध्यान से देखिएगा, 100% समझ में आएगा। देखिए पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। जिसमें से देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, इसमें से भुजा का 50% बढ़ा दिया जाए, 50% बढ़ा दिया जाए तो 2 बार बढ़ेंगे। जिसमें से ध्यान दीजिएगा, इसका फार्मूला होता है 2x/x² / 100% होता है, जिसमें से ध्यान देंगे 50, तो 2 गुना 50 और प्लस 50 गुना 50 और बटे 100 कर देंगे। ध्यान देंगे ये कट जाएगा, 50 × 100 और 25 कितना आ जाएगा, 125%। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है, 3x/4 / q × 18x³/5 दिया है। देखिए यहाँ सोल्यूशन दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 3x/4 / q दिया हुआ है × 18x³/5 दिया है। सबसे पहले अंक को गुना करेंगे तो 18 × 3 = 54 आ जाएगा, फिर x/4 है गुना x/q, तो गुना में आधार एक रहता है ना, तो पावर जुड़ जाता है, तो x/4 बोल दीजिएगा, 4 × 3 = 7। अब बाई के साथ गुना होगा तो बाई पर पावर 3 दिया है, यहाँ बाई पर पावर 5 दिया है, आधार एक है तो गुना में आधार एक रहेगा, पावर जोड़ देंगे तो बाई पर पावर 5 और यहाँ 3, तो 5 × 3 कितना हो जाएगा, 8 अंक। अगला प्रश्न आपको देखिए दिया हुआ है, कह रहा है एक वृत्ताकार पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, चक्कर की संख्या बराबर कुल दूरी बटे परिधि होता है। ध्यान दें तो कुल दूरी दिया 11 किलोमीटर दिया है, तो उसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1100 मीटर आ जाएगा। अब परिधि मतलब 2πr होता है, 2π मान कितना, 22/7। त्रिज्या दिया हुआ भाई 1.75 दिया हुआ है, देखिए इवला पॉइंट डूरेगा तो यहाँ पर गुने कितना हो जाएगा, 100। अब काटिए जरा, 25 बार में काटेंगे तो 25 × 75 से, और 25 × 100, 7 × 7 भी काट सकते हैं, 2 बार में काट देंगे तो यहाँ पर से ध्यान देंगे 2 × 2 = 4, 11 बार में 11 × 1 = 1, 11 × 2 = 22, सही 2 से 2 कट जाएंगे, तो चक्कर की संख्या बराबर आ जाएगा कितना, 1000 चक्कर, 1000 चक्कर आ जाएंगे। ध्यान दें, अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है एक आयताकार हॉल की लंबी भुजा 24 मीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 26 मीटर है, तो इसके क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक आयताकार हॉल दिया इस तरीका से भाई, जिसमें कह रहा है एक आयताकार हॉल की लंबी भुजा कितना दिया है, 24 दिया है, इसके विकर्ण की लंबाई, एक विकर्ण कितना दिया है, 26 दिया हुआ है, तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, जिसमें से लंबाई दिया हुआ है तो हमको चौड़ाई को पता करना है, नहीं तो यहाँ 90 डिग्री कोण बनाएगा तो 90 के सामने कर्ण हो जाता है, ये कितना दिया है, लंब, नहीं तो यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा, एक आपको ट्रिपलेट होता है, जैसे यहाँ 24 26, इसको काटिएगा तो यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ कितना, 13, तो ट्रिपलेट एक जानते होंगे आप लोग की 5 5 12 13 होता है, तो इसका देखिए 2 गुना, यहाँ भी 2 गुना, तो इसका भी 2 गुना कर देगा कितना, 10, इतना आ जाएगा कितना, 10। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कर्ण के स्क्वायर करके और लंब के स्क्वायर करके घटा के वर्गमूल निकालेंगे ना तो भी 10 आ जाएगा, समझे। ध्यान रखिए, यहाँ आप दोनों भुजा की लंबाई पता हो गया, चौड़ाई पता हो गया, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई 24 दिया है और चौड़ाई 10 दिया है, यहाँ आपका आंसर कितना आ जाएगा, 240। सवाल आपको देखिए दिया गया, 3/n
गुना नौ पर पावर एन प्लस बैन भाग थ्री पर पावर एन माइनस बैन गुना नौ पर पावर एन माइनस बैन दिया है। देखो भाई इसका सोल्यूशन देखिए ध्यान धरेंगे, थ्री पर पावर एन गुना नौ पर पावर एन प्लस बैन इंटू भाग दिया हुआ है थ्री पर पावर एन माइनस बैन गुना नौ पर पावर एन माइनस बैन दिया है। पहले ध्यान देंगे इसको आधार को सेम करेंगे तो थ्री पर पावर एन है गुना नौ को लिख सकते हैं नौ पर पावर तीन पर पावर स्क्वायर, तो तीन पर पावर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ गुना कर देना टू पर पावर एन यहाँ दो हो जाएगा नहीं भाग। इसी तरीका से इसको भी करिए थ्री पर पावर एन माइनस बन और गुना इसको तीन के स्क्वायर करेंगे तो यहाँ दोनों गुना करेंगे तीन दो टू एन हो जाएगा और दो इसमें भी गुना होगा माइनस कितना दो। अब ध्यान देखिए गुना में आधार एक रहेगा तो पावर क्या हो जाएंगे जुट जाएंगे, तो थ्री देखिए आधार एक है तो पावर को जोड़ देना तो टू एन और एन तो यहाँ पर कुछ हो जाएगा थ्री एन और प्लस कितना टू भाग दिया हुआ है इसको भी जोड़िए तो थ्री और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ टू एन प्लस में और एन तो यहाँ पर हो जाएगा कितना थ्री एन माइनस वन और माइनस टू तो यहाँ कितना जुट के हो जाएंगे माइनस थ्री। अब भाग में आधार एक रहता है तो क्या होता है पावर घट जाता है तो यहाँ थ्री और थ्री पर पावर एन प्लस टू और माइनस थ्री एन और माइनस थ्री दिया है। इधर ध्यान देंगे थ्री पावर घटाइएगा तो यहाँ आ जाएगा थ्री पर पावर एन प्लस टू आई माइनस आई प्लस तो माइनस थ्री एन हो जाएगा ये माइनस माइनस से प्लस तीन हो जाएगा तो देखिएगा प्लस माइनस थ्री एन और प्लस थ्री एन कट जाएगा तो यहाँ तीन और दो तीन दो पांच यानी तीन पर पावर पांच के मतलब हो जाएगी कितना 243। अगला सवाल आपको देखिए दिया है यदि x कॉमा वाई परिमेय संख्या है और पांच प्लस रूट ग्यारह बटे थ्री माइनस टू रूट ग्यारह बराबर एक्स प्लस वाई रूट ग्यारह दिया है तो आपसे पूछ रहा है एक्स और वाई का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए भाई आपको देखिए दिया हुआ है पांच प्लस रूट ग्यारह बटे थ्री माइनस टू रूट ग्यारह बराबर एक्स प्लस वाई रूट ग्यारह दिया हुआ है और इसमें आपको पूछ रहा है एक्स और वाई का मान, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा इसको हम हल्के प्रमेयकरण करेंगे ये पांच प्लस रूट ग्यारह और थ्री माइनस टू रूट ग्यारह और देखिए हल्के प्रमेयकरण करेंगे तो माइनस में रहता तो यहाँ प्लस में हो जाता है थ्री प्लस टू रूट ग्यारह बटे थ्री प्लस टू रूट ग्यारह बराबर यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई रूट ग्यारह हो जाएंगे। इसमें से ध्यान दीजिएगा यहाँ पर से एक यहाँ गुना करिएगा एक बार इसके साथ तो हो जाएगा पांच गुना तीन तो हो जाएगा कितना पंद्रह यहाँ प्लस दिया है फिर प्लस पांच गुना इसमें फिर होगा तो पांच दुनी दस रूट ग्यारह आ जाएंगे। अब प्लस दिया है फिर यहाँ रूट ग्यारह रख करेंगे प्लस रूट ग्यारह गुना तीन तो थ्री रूट ग्यारह हो जाएंगे और यहाँ गुना होगा तो रूट ग्यारह गुना रूट ग्यारह तो ग्यारह ग्यारह गुना दो तो प्लस कितना हो जाएंगे बाईस बटे यहाँ देखिएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सेट हो रहा है तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता तो तीन के स्क्वायर कितना ए स्क्वायर तो तीन के स्क्वायर कितना नौ और माइनस बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर देखिए कैसे करना है टू रूट ग्यारह का अगर स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से थी तो रूट हट जाएगा लेकिन इस पर रूट नहीं था तो दो दूनी चार और स्क्वायर से रूट हट गया तो यानी कि ग्यारह चौ चौवालीस हो जाएंगे तो यानी कि ध्यान दें। अब देखिए आपको बराबर में यहाँ दिया हुआ था x प्लस बाई रूट ग्यारह दिया हुआ है इसमें से ध्यान देंगे यहाँ पर से 15 और 22 जोड़िएगा प्लस प्लस वाला को एक साथ तो 15 और 22 कितना हो जाएगा 37 और प्लस ई रूट दस और रूट ग्यारह यहाँ पर तीन प्लस रूट ग्यारह तो 10 तीन 13 रूट ग्यारह और बटे माइनस 44 में से 9 जाएगा तो यहाँ पर इससे घटा देना 14 में से 9 गया 5 और यहाँ कितना थी माइनस 35 हो जाएंगे बराबर एक्स प्लस वाई रूट ग्यारह। तो यहाँ पर से ध्यान दीजिएगा कि एक्स और वाई के मान निकालना रहेगा एक्स और वाई के मान निकालना रहेगा तो देखिए यहाँ पर से इसके बराबर कर दीजिए इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर से ध्यान दें 37 बटे माइनस 35 प्लस 10 रूट ग्यारह बटे माइनस 35 बराबर
एक्स प्लस वाई बराबर एक्स प्लस वाई रूट ग्यारह दिया हुआ है, जिसमें से ध्यान दी हमको दोनों साइड बराबर आना चाहिए। तो यहाँ x के मान इसको ले लीजिए, x बराबर कह सकते हैं कितना 37 बटे माइनस 35 और y बराबर बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा हम y रूट ग्यारह दिया है तो ये रूट ग्यारह तो है ही, तो y बराबर मान लीजिए माइनस दस बटे 35। आप लोग को मैंने हर एक दिन इस पर आपको सोल्यूशन दिया जाएगा, है ना। आप लोग नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, है ना। आपको प्रतिदिन इस पर बिहार पुलिस का जितना भी मैथ का सोल्यूशन रहेगा आपको हर दिन यानी कि दिया जाएगा, है ना। बेस्ट से बेस्ट आपको क्वालिटी में दिया जाएगा, समझ में आने के लिए गारंटी है। जय हिंद सर।